नमस्कार बच्चों, आज हम लोग का थर्ड वीडियो हुआ। दो वीडियो पहले जो थे वो अलग विषयों पे थे। एक थर्ड में एक आदमी मक्कारी करे, मतलब एक मक्कारी करेगा तो दूसरा उसका परिणाम भुगतेगा, इसी पर बेस क्वेश्चन है। इससे समझें, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ए और बी एक साथ कार्य करते हुए 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए 30 दिन, बी 30 दिन काम करे तब काम पूरा होता है। दूसरी कंडीशन है कि अगर ए सिर्फ 22 दिन काम करे, ए 22 दिन काम कर रहा है, तब बी को 42 दिन काम करना पड़ रहा है। जब ए सिर्फ 22 दिन काम करता है तब बी को 42 दिन काम करना पड़ता है, तब कार्य पूरा होता है। अब हमें बताना है कि ए और बी के अलग अलग कार्य करने का दिन कितना कितना है। तो यहाँ पर ये दोनों 30 30 दिन हैं तब कार्य पूरा हो रहा है। एक मक्कारी कर रहा है, 22 दिन काम कर रहा है, तो दूसरे को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। तो इसी पर, इस कॉन्सेप्ट को पर बेस क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आए। यहाँ पे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझना आसान था इसलिए हम लोग ने पहले इस क्वेश्चन को लिया, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन से और ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। दो स्थान एक्स और वाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी किताबों में होगा, बस तरीका नया है। वो लोग कैसे बता रहे हैं वो भी मैं बता रहा हूँ, तीन तरीके से बता रहा हूँ। एक्स और वाई दो स्थान है, पूरी बात समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो स्थान है एक्स और वाई, एक दूसरे से 650 किलोमीटर दूरी पर है। ए और बी दो इंसान हैं जो एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो वो 10 घंटे बाद मिलते हैं। अगर वो एक साथ चलते हैं जब वो, तब 10 घंटे बाद मिलते हैं। लेकिन अगर ए 4 घंटे 20 मिनट पहले चल दे, ये 4 घंटे 20 मिनट पहले चल दे, ए पहले चल रहा है 4 घंटे 20 मिनट, तब बी के चलने के 8 घंटे बाद दोनों मिलते हैं। मतलब ये 4 घंटे 20 मिनट पहले चला है, उसके बाद बी चला होगा, बी के चलने के 8 घंटे बाद दोनों मिलते हैं, यानी बी 8 घंटे चला है, ये 4 घंटे 20 मिनट पहले चल चुका था और 8 घंटे और चला है, तो ये चला है 12 घंटे 20 मिनट और दूसरा चला है 8 घंटे, तब भी दोनों मिलते हैं। पहली कंडीशन में मिल रहे थे 10 10 घंटे, दोनों चल रहे थे तब मिल रहे थे, 4 घंटे 20 मिनट पहले चला, तब बाद में चलने वाले के, बी के चलने के 8 घंटे बाद दोनों मिलते हैं, यानी ये 8 घंटे सिर्फ चला और ये 8 घंटे और चला, तो 12 घंटे 20 मिनट ये चला, 8 घंटे ये चला, तब भी दोनों मिलते हैं। हमें बताना है ए और बी की चाल क्या क्या है। क्वेश्चन समझ में आ गया, बेसिक तरीका जो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए लेकिन हमेशा आना चाहिए। ए की चाल, ए एक्स मान लीजिए, या ए ही रहने दें या एक्स ले लें, एक्स और वाई चाल मान ली। अब पहली इक्वेशन बन जाएगी, 10 घंटे ये चले तब 650 किलोमीटर चले, तो 10x+10y, पहले की दूरी दूसरे की दूरी दोनों का सम 650। एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ये 12 घंटे 20 मिनट चला, तो 12 घंटे 20 मिनट और दूसरा 8 घंटे चला, तब भी दोनों 650 चले। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके
हम एक्स और वाई का मान निकाल सकते हैं। एक तरीका ये हो गया सॉल्व करने का, ये जो है बिल्कुल अच्छा तरीका नहीं हुआ, लेकिन बेसिक तरीका यही है। इसको हटा दें, इससे बेहतर तरीका सेकेंड मेथड, दूरी बीच की 650, एक साथ चलते हैं तब 10 घंटे भी मिलते हैं। अगर ए 4 घंटे 20 मिनट पहले चला है, यानी ए 12 घंटे 20 मिनट चला है और बी 8 घंटे चला है, तब दोनों मिलते हैं। तो सेकेंड तरीका इसका हो जाएगा कि 650 किलोमीटर दोनों एक साथ चलते हैं तब 10 घंटे में चलते हैं, तो एक घंटे में मिलकर 65 किलोमीटर चलेंगे। एक घंटे में मिल करके दोनों मिल करके एक घंटे में 65 किलोमीटर चलेंगे। अब यहाँ पर ये 12 घंटे 20 मिनट चला है, दूसरा 8 घंटे चला है, तो ऐसे में हम लोग 8 घंटे दोनों को साथ में चला लें, 8 घंटे ए बी साथ में ले लें, तो इससे क्या होगा, बी का 8 घंटे और ए का 8 घंटा ख़त्म हो जाएगा। एक घंटे में 65 है तो 8 घंटे अगर दोनों साथ में चले तो 65 अट्ठे 520 दूरी वो साथ में मिलके चल लिए 8 घंटे में। अब 520 दूरी चल लिए तो बची कितनी दूरी, 650 में से 520 हटा दिया, ये 520 दूरी हट गई तो बची कितनी दूरी, 130 किलोमीटर। 130 किलोमीटर की दूरी, दोबारा ये समझ लें, 8 घंटे 12 घंटे 20 मिनट दोनों को 8 घंटे साथ में चला दिया, तो 8 घंटे साथ में चलने से 520 दूरी अलग हो गई। इस 520 किलोमीटर की दूरी को कुल दूरी से हटा दिया, 130 किलोमीटर जो चला है वो ए अकेले चला होगा, और कितनी देर में चला होगा, 8 घंटे 20 मिनट हटने के बाद जो यहाँ पे समय बचा वो यही 4 घंटे 20 मिनट बचा जो वो एक्स्ट्रा चला था। इसी 4 घंटे 20 मिनट में वो कितनी दूरी चला, इसी 4 घंटे 20 मिनट में वो कितनी दूरी चला, 130। तो यहाँ ए की चाल पता चल गई हमें, ए की चाल यहाँ से आ गई, ए की चाल 130 बटे 4 घंटे 20 मिनट, मतलब 4 से 20 बटे 60 1/3 13/3 आ जाएगा। 13/3 का डिवाइड करेंगे तो ये 30 आ जाएगा। ए की चाल हमें पता चल गई 30, चूँकि ए की चाल 30 है इसलिए दोनों का योग जो है, एक घंटे में मिलके दोनों 65 चलते हैं, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ए की चाल 30 है दोनों मिल करके 65 चलते हैं, तो बी की चाल 30 हटा दें तो 35 है, ये ए और बी की चाल हो गई। जल्दी से दोबारा सुन लें, 650 किलोमीटर की दूरी है, एक साथ चलते हैं तो 10 घंटे में चलते हैं, डिवाइड किया एक घंटे में मिलके कितना चलते हैं 65, एक घंटे मिलके 65 चलते हैं, 8 घंटा कॉमन है 8 घंटा अलग कर लिया, बची दूरी 130। ये पहला वाला 4 घंटे 20 मिनट में चला होगा, इसका मतलब 13/3 इससे डिवाइड किया, ए की चाल 30 आ गई, ए की चाल 30 है यहाँ रख दिया तो बी की चाल 35 आ गई। ये हो गया इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका। लेकिन ये दोनों तरीके से तो मतलब एक साधारण तरीके हुए जिनसे ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। जो नियम है जिनसे ये सवाल बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और मुंहज़बानी सॉल्व हो जाएगा बिना पेन चलाए, उसके लिए एक एग्जांपल से हमेशा की तरह मैं कुछ नहीं बताऊंगा, आपको पहले से आता है, शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने आप इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर ले, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक माँ है, उनका एक बेटा है, एक माता जी है, उनका एक बेटा है। एक दिन बेटा घर में अकेले था, एक दिन बेटा घर में अकेले था, शैतान बच्चा, 3 घंटे उसने घर में तोड़फोड़ की, 3 घंटे घर में सामान बिखेरा। उसकी माताजी आई, उसकी माताजी ने
उसे एक घंटे में सही कर दिया, उसकी माता जी ने उसे एक घंटे में सही कर दिया। इसकी तीन घंटे में जो इसने वस्तुओं को बिखेरा था उसको माता जी ने एक घंटे में सही कर दिया। तो यहाँ पे ये कहना बहुत आसान है कि यहाँ पे माता जी ताकतवर हैं। और क्यों ताकतवर हैं? इसके तीन घंटे के नुकसान को इन्होंने अगर एक घंटे में कवर कर दिया तो निश्चित रूप से माता जी ताकतवर हैं। तो इनकी ताकत का रेशियो क्या तीन एक होगा कि एक तीन होगा? तो निश्चित रूप से ताकत का रेशियो एक तीन होगा, क्योंकि जो इसने कमी की है उसकी भरपाई इन्होंने, तीन घंटे की कमी की भरपाई इन्होंने एक घंटे में कर दी। तो इस हिसाब से एक और आसान एग्जांपल से इसे समझ सकते हैं। एक आदमी ने एक घर बनाया 6 महीने में और भूकंप ने उसे 5 सेकंड में तबाह किया, तो दोनों की ताकत का रेशियो अगर बनाया जाए तो भूकंप बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा। तो ये एक आसान सी बात है, इसी से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। सवाल देखते हैं, पहला सवाल अब इस नियम से सॉल्व करते हैं। तो क्या कहा गया है कि अगर ए और बी दोनों 10-10 घंटे चलते तो 650 चलते, ए और बी दोनों 10-10 घंटे चलते तो 650 चलते, लेकिन ए 8 घंटे चला, बी 12 घंटे 20 मिनट चला, तब भी ये कितना चल पाए जितना पहले चल पाए थे? दोनों का परिणाम जो है, इन दोनों का परिणाम जो है वो सेम है, 650 है। क्यों ऐसा हुआ? एक ज़्यादा चला, क्यों ज़्यादा चला? क्योंकि दूसरा कम चला। तो जो इससे पहले बताया गया तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसके 2 घंटे की, बी ने जो 2 घंटे ना के मक्कारी की, तो बी का दो घंटा जो यहाँ पे मक्कारी किया, इसकी भरपाई ए ने कितने समय से की? 10 आ रहा था, 12 घंटे 20 मिनट आना पड़ा, तो यहाँ पे 2 घंटा 20 मिनट ज़्यादा आना पड़ा। तो हम कह सकते हैं ना कि यहाँ पर बी ए का 2 घंटा 20 मिनट जो उसे ज़्यादा काम करना पड़ा, क्यों काम करना पड़ा ज़्यादा? क्योंकि बी 2 घंटे कम आया, तो ए का 2 घंटा 20 मिनट बराबर बी का 2 घंटा। तो ये अगर है तो ए और बी का रेशियो जो बना वो यहाँ से पलट जाएगा, तो 2 घंटे रेशियो 2 घंटे 20 मिनट यानी कि 1/3, तो ये बन जाएगा 6 और 7। 6 और 7 उनकी ताकत का रेशियो आ गया। अब 1 घंटे में 10 घंटे में कितना चलते हैं? 650, तो 1 घंटे में कितना चलते हैं? 65। 1 घंटे में जो चलते हैं उसी को हम चाल कहते हैं, तो चाल का योग कितना है? 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं, तो चाल का योग कितना है 1 घंटे में? 65। रेशियो कितना बना बेटा 6 और 7 का? क्या कहेंगे बोलो, योग कितना है? 13 13 = 65, तो 1 = 5, तो 6 = 30, तो 7 = 35 आंसर। 10 घंटे, दोबारा सुन ले जल्दी से, दोनों अगर 10-10 घंटे चलते तो 650 चल लेते, ऐसा हुआ नहीं। क्या हुआ? एक 8 घंटे चला, दूसरा 12 घंटे 20 मिनट चला। 12 घंटे 20 मिनट कैसे आया समझ गया ना, 8 और 4 घंटे 20 मिनट जो जोड़ के आया है। ये 2 घंटे 20 मिनट ज़्यादा क्यों चला? क्योंकि ये 2 घंटे कम चला, तो ए का 2 घंटा 20 मिनट बराबर बी का 2 घंटा, ए और बी का ये इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। इसे और आसानी से समझ लें कि अगर 2A = 3B है तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा वो 2-3 बनेगा कि 3-2 बनेगा? तो आप कहेंगे 3-2 बनेगा, पलट जाएगा। तो ये रेशियो बन गया 6-7। 1 घंटे में दोनों 650 चलते हैं, 10 घंटे में सॉरी, तो 1 घंटे में 65 चलेंगे। 1 घंटे में जो चले हैं उसी को हम चाल कहेंगे, 1 घंटे में जो चली दूरी को ही चाल कहेंगे, तो चाल का योग कितना है? 65। रेशियो 6-7 का है, इसी रेशियो में बांट लिया। आगे बच्चों समझ में? अगला क्वेश्चन, ए और बी अगर एक साथ काम करते तो ए 30 दिन बी 30 दिन काम करता तो कार्य पूरा हो जाता,
ने सिर्फ 22 दिन काम किया तो बी को 42 दिन काम करना पड़ा, तब भी कार्य पूरा हुआ। अब ए और बी का दिन बताना है, तो ऐसे में अगर हम लोग बेसिक तरीका यूज़ करेंगे तो इक्वेशन बन जाएंगे। कैसे आना चाहिए, ए और बी, एक्स वाई, इनके दिन मान लिए। अब क्लास 6, 7, 8 में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो तरीका, बेसिक तरीका, 30 दिन में दोनों साथ में काम करें तो फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 1/x + 1/y = 1/30। और इसी तरह से ए 22 दिन काम करे और बी 42 दिन काम करे तब भी कार्य पूरा होता है। तो ए का 22 दिन का काम, एक दिन का काम 1/x है, 1/x है, तो 22 दिन का काम 22/x हो जाएगा। बी 42 दिन काम करता है तो 42/y, और दोनों का जोड़ कितना होगा, दोनों का जोड़ एक दिन में, दोनों का जोड़ का मतलब कार्य पूरा हो गया, तो जब कार्य पूरा हो जाएगा तो उसे एक लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इस इक्वेशन टाइप का एक तरीका लगाएंगे तो पेपर में टाइम ज़्यादा लगेगा, इसीलिए अभी वाला तरीका लगाएं, तो वर्बल सॉल्व कर लें। इसके 8 दिन की मक्कारी का परिणाम कितना हुआ, 12 दिन इसे एक्स्ट्रा आना पड़ा, तो इसका 8 बराबर इसका 12, तो रेशियो 8/12 = 12/8, 12/8 3-2 रेशियो बन गया। सॉल्व कर लें, लिख के बताएं, ए का आठ दिन बराबर बी का 12 दिन। ए का 8 दिन का माने से बी को 12 दिन ज़्यादा आना पड़ा, तो ए और बी का जो रेशियो बनेगा वो 12/8 यानी 3/2 का बनेगा। ये इनका क्षमता का रेशियो आ गया। अब क्षमता का रेशियो पता चल गया, ए और बी मिल करके कितने दिन में पूरा करते हैं, 30 दिन में। क्षमता का रेशियो पता है, अगर टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो वहाँ पे पढ़ा होगा, नहीं तो आगे पढ़ना बेटा। क्षमता का रेशियो कितना है, 5/3 ए बी का मिलकर के काम कितना है, मिलकर के दिन कितना है, 30। क्या कहेंगे बोलो, पाँच क्षमता पर दिन कितना लगता है, 30। पाँच क्षमता पर दिन 30, तो एक क्षमता पर ज़्यादा काम ज़्यादा दिन लगेगा, एक क्षमता पर ज़्यादा दिन लगेगा तो कितना दिन लगेगा, 150 दिन। तीन क्षमता पर कम दिन लगेगा, कम का मतलब डिवाइड करें, ज़्यादा का मतलब गुणा करें। फिर से सुन ले, 5 क्षमता पर 30 दिन, तो एक क्षमता पर ज़्यादा दिन लगेगा, तो 30 में 5 का गुणा करें कितना आ जाएगा, 150 दिन। और इसी तरह से एक क्षमता पर दिन ज़्यादा होगा तो 5 का गुणा करेंगे, 3 क्षमता पर दिन कम होगा तो 3 का भाग देंगे, 2 क्षमता पर दिन कम होगा तो 2 का भाग देंगे। तो इस तरह से ए का दिन आ गया यहाँ से 50, ए अकेले काम करेगा तो ए का दिन आ गया 50, और बी अकेले काम करेगा तो बी का दिन आ गया 75। जल्दी से दोबारा सुन लें, ए ने 8 दिन कम काम किया तो बी को 12 दिन ज़्यादा आना पड़ा, तो ए और बी की क्षमता का रेशियो 12/8 यानी 3/2 हुआ, 3/2 क्षमता का रेशियो हो गया। अब जब 5 क्षमता काम करती है तब दिन कितना लगता है, 30। एक क्षमता काम करेगी तो ज़्यादा दिन लगेगा, ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो 30 × 5 यानी 150 दिन लगेगा। 3 क्षमता रहेगी तो कम दिन लगेगा, कम का मतलब डिवाइड होता है, तो 150 में 3 का डिवाइड करेंगे, 50 दिन पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2 क्षमता पर दिन फिर डिवाइड करेंगे तो 150 में 2 का डिवाइड करेंगे। इस तरह से ए का दिन का आंसर हो गया 50 और बी के दिन का आंसर हो गया 75। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा हुआ बेटा। इसी तरह से फिर हम एक बार फिर से मैं पूरा बता दूं, ये वीडियो लगातार देखने के लिए एक बार हम लोग का जो ऐप डाउनलोड कर लें, गुरुकुल एकेडमी कानपुर के नाम से प्ले स्टोर पर है, जाके देखें बेटा, आसानी से मिल जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।